उस बीच बड़ी खबर हापुड़ से, जहां गौरव के आरोपियों के कोर्ट में पेशी। बदमाश आशु की पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस रिमांड मांग सकती है। कल आरोपी उमेश और आशु की पत्नी गिरफ्तार हुए थे। घायल उमेश का अस्पताल में इलाज जारी है, इलाज के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गौरव चंदेल हत्याकांड जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, उसका खुलासा कल पुलिस ने किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पेशी के लिए बदमाश आशु की पत्नी को हापुड़ ले जाया गया है और पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। आपको बता दें कि इलाज के कारण अदालत में उमेश तो पेश नहीं हो सका है, क्योंकि वो घायल हुआ था पुलिस की गोली लगने से, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन आखिरकार जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुके हैं। गौरव चंदेल हत्याकांड, जब गाड़ी लूटकर गौरव की हत्या करके बदमाश मौके से फरार हो गए थे। और प्रदीप एबीपी गंगा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या जानकारी है आपके पास? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश आशु जाट की पत्नी और ये उमेश बाइक पे बैठकर जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, इन्होंने घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया और इन्हें ले आई। आज पुलिस ने जो है इसको आशु जाट की पत्नी को कोर्ट में पेश किया है और उनका रिमांड मांग रही है। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन इसमें आशु जाट को, क्योंकि पुलिस द्वारा 2 गोली लगी हुई है, वो घायल है, पुलिस अभी उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो एक आरोपी जिसे गोली लगी है वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हो पाया है, क्योंकि इलाज उसका अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जो महिला है उसे कोर्ट में जरूर पेश किया गया है और पुलिस रिमांड की मांग कोर्ट में कर सकती है। तो आपको बता दें कि गौरव चंदेल हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई कि पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहे आरोपी उमेश को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हापुड़ पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ धर्मेंद्र की पत्नी पूनम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आशु की पत्नी पूनम 120B की आरोपी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ पुलिस की माने तो उमेश को गिरफ्तारी के बाद मौकाए वारदात पर ले जाया गया, जहां रास्ते में आरोपी ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए फायर किया तो गोली उसके पैर में जा लगी। आरोपी उमेश के गिरफ्तार होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पिछले 20 दिनों से पुलिस के लिए पहेली बन चुकी गौरव चंदेल हत्याकांड की गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी। मुखबिर की सूचना मिली कि जो अपराधी जो उस घटना में संलिप्त है, जिसका नाम उमेश है, वो इस रास्ते से संभावित हमारे क्षेत्र में, धौलाना क्षेत्र में वो संभावित आने की संभावना है उसकी। उस पर पुलिस ने अपनी चेकिंग लगाई थी। मोटरसाइकिल से वो अपने एक औरत के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस ने उसको चैलेंज किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको वहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया। उसे वो जो महिला है वो आशु, जो कि मिर्ची गैंग का लीडर है और इस हत्या में सरगना है, ये उस आशु की वाइफ है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।